हमारे साथ उप मुख्यमंत्री राजस्थान के सचिन पायलट जुड़ गए हैं। सचिन जी, आज मैं वही सवाल आपसे पहला पूछूंगी जो शायद देश का कोई भी आम व्यक्ति अगर उसको सीधा एक्सेस होता तो वो आपसे यही पूछता। सर, क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो किस तरह से, क्या इतनी ही सख्ती के साथ? मुझे लगता है कि लॉकडाउन की उपयोगिता खत्म नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि संपूर्ण देश को पूरी तरह लॉकडाउन में रखना बहुत लंबे समय तक उपयोगी नहीं रहेगा। देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पुनर्जीवित करना पड़ेगा, लेकिन जो एहतियात और जो प्रिकॉशंस हमको लेने हैं उसमें कोई ढिलाई देने की स्थिति में वहां पर नहीं होंगे जहां पर केसेस बहुत ज्यादा हैं। जिन स्टेट्स में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, पॉजिटिव पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, संक्रमण का खौफ ज्यादा है, वहां पर हमें अपना लॉकडाउन मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि मत भूलिए कि पिछले 40-35 दिनों की जो मेहनत है वो धराशायी हो जाएगी अगर हम सारे यातायात, बसें, ट्रेन खोल देंगे। तो स्टेजेस में खोलना पड़ेगा, और अलग अलग राज्य के भीतर में भी अलग अलग जिलों की अलग अलग स्थितियां हैं, उसके अनुरूप हमें गतिविधि को, आर्थिक कामों को थोड़ा पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और किसानों के लिए, खेत में जो हमारा कृषक वर्ग है उनके लिए पूरी खुली छूट देकर काम कराना पड़ेगा, ताकि जो हमारा सप्लाई चेन है वो लगातार मेंटेन रहे। तो लॉकडाउन की जो रिटर्न्स हैं वो डिमिनिशिंग है, लेकिन ये कहना बड़ा गलत होगा कि हम अति आत्मविश्वास में लॉकडाउन को उठा दें और फिर दोबारा से संक्रमण दोबारा फैल जाए। ये मैं समझता हूँ किसी कीमत पर हमारा मुल्क, हमारा देश अभी इस स्थिति में नहीं है कि उसको हम सहन कर पाए। राजस्थान के हम आंकड़े दिखा रहे हैं, अभी संक्रमण के हिसाब से 4th नंबर पर है। जो जानकारी बाहर आई आप ही बेहतर बता पाएंगे, क्या 4 ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री से कहा कि अभी लॉकडाउन नहीं हटाना चाहिए? राजस्थान का इस मामले में क्या सबमिशन है, आप अपने राज्य के लिए क्या चाहते हैं? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को जनरल गाइडलाइंस देनी चाहिए और हर स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा फ्लेक्सिबल होके उन पर छोड़ना चाहिए कि कितना वो खोल सकते हैं, कितना खोलना चाहिए। एक जनरल गाइडलाइन भारत सरकार को निश्चित रूप से देनी चाहिए, लेकिन राजस्थान में हमारे यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर जो पेशेंट्स इन्फेक्टेड होते हैं उनमें से काफ़ी ठीक होकर जा रहे हैं, और हम लोगों ने मेहनत कर कम से कम टेस्ट जो है, हम लोगों ने बाकी देश में जो हो रहा है उससे ज़्यादा हम टेस्ट भी कर रहे हैं। अंत में टेस्ट करना ही इस समस्या का समाधान है। तो हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हम एक मॉडिफाइड लॉकडाउन हमने किया है, और जो लॉकडाउन 2.0 था उसके अंदर भी हम लोगों ने जो नगर निगम के बाहर की सीमाएं हैं वहां पर हमने उद्योगों को चालू किया, जहां वर्कर वहीं पर रह रहे हैं, मंडियां खोल रही हैं, किसान अपना फसल बेच पा रहा है, और नरेगा में हम लोगों ने काम चालू किया। 17 अप्रैल को राजस्थान में 60,000 लोग नरेगा में काम ले रहे थे, आज वो आंकड़ा 10 लाख का है। तो लोगों के हाथ में आमदनी पहुंचे, लोग अपने घरों में, खेतों में काम कर सकें। क्योंकि मत भूलिए, ये कहना बड़ा आसान है अंजना जी कि घरों में रहिए, लेकिन जिनके पास घर ही नहीं है, जो अपने घरों तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे? उनके राशन का, रहने का, स्वास्थ्य का, उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर है। तो आर्थिक संसाधन जुटाने के साथ साथ उपचार भी हो, देखभाल भी हो, प्रिकॉशंस भी लें, तो बड़ा संतुलित और बहुत ही नुवांस तरीके से हम लोगों को इस लॉकडाउन को खोलने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि बड़ी हल्की सी लकीर है सचिन जी, अगर आप देखें तो एक तरफ मानवीयता के आधार पर अगर आप सोचें और दूसरी तरफ मानवता के सबसे बड़े संकट काल में मानवों की ही जिंदगी को बचाने के लिए लॉकडाउन का फैसला है, क्या आपको लगता है केंद्र की एक नीति बेहतर रहेगी अगर राज्यों पर छोड़ दिया जाए और वहां पे जरा सा भी मिसमैनेजमेंट हो गया, बहुत बहुत बारीक लकीर है, मिसमैनेजमेंट होने की परिस्थिति में बेकाबू होगा? और हमने देखा है कि चाहे वो इंदौर हो मध्य प्रदेश में, या फिर आपके राज्य में रामगंज हो, या फिर धारावी, मुंबई, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में आप देखिए मुंबई और पुणे यही दोनों सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स हैं, ऐसे जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर हुई थोड़ी सी भी गड़बड़ी इस वक्त देश के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकती है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जहां पर केसेस ज्यादा हैं, जहां पर हमारे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वहां तो सवाल ही नहीं उठता कि हम कोई ढिलाई दें। लेकिन जो 85 जिले हैं, जो राज्य के ऐसे हिस्से हैं जहां पर कोई संक्रमण है नहीं और पिछले 14 दिन से कोई नया केस नहीं आया, वहां पर हम धीरे धीरे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट या केंद्र की सरकार ये चाहेगी कि जो डेंजर जोन है, जो रेड जोन है, वहां पर हम बेवजह ढिलाई दें, क्योंकि हमारा देश अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हमारी जो स्वास्थ्य की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी ताकतवर नहीं है। अब अमेरिका में जो हाल हो रहा है, इंग्लैंड में, इटली और फ्रांस में जो हो रहा है, जब ऐसे विकसित देश ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग कैसे करेंगे? इसलिए जहां पर इन्फेक्शन बढ़े हुए हैं, जो रेड जोन्स हैं,
वहां पर हम कोई ढिलाई दें, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक चूक हो सकती है। इसलिए जहां पर हमें डेंजर कम लगता है वहां पर हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने कहा संतुलित करना पड़ेगा, मुझे तो लगता है कि इसमें सरकार के साथ साथ पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कर्फ्यू घोषित कर दीजिए, लॉकडाउन कर दीजिए और लोग उसकी पालना नहीं करें तो उसका औचित्य खत्म हो जाएगा। तो सरकार और समाज को मिलकर एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और एक भविष्य की प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। और मत भूलिए कि बहुत जल्द हम सोचें कि लॉकडाउन उठ जाएगा और वापस जीवन उसी पटरी पर आ जाएगा जहां पहले था, वो मुझे लगता है संभव नहीं है। बहुत समझदारी से, सावचेती से हमें अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और ये जब तक वैक्सीन इसकी डेवलप नहीं होती, अभी सुपर वैक्सीन इंग्लैंड में वो लोग चालू कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसे कोई समस्या नहीं है देश में जिसकी जनता और हम लोग मिलकर उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा और अनुशासन से अपना जीवन जीना पड़ेगा। अभी तो खैर क्लिनिकल ट्रायल्स ही ऑक्सफोर्ड में हो रहे हैं, अगर वो सफल हो जाते हैं तब भी बहुत वक्त लग सकता है, 1 साल तो लग ही जाएगा ही कोई भी ठोस दवा आने में। मैं अब जरा वो जो जोन्स वाला मैप है वो दिखाइए, क्योंकि रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स पर बात करना चाह रही थी। जो हॉटस्पॉट जिले हैं आपके राजस्थान में, उनमें जयपुर, टोंक, बांसवाड़ा, जोधपुर, कोटा, झुंझुनू, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, झालावाड़, भरतपुर, ये तमाम इलाके हैं। हॉटस्पॉट्स को लेकर क्या पॉलिसी रहेगी, क्योंकि पिछली बार भी जब आपके राज्य की बात हो रही थी तो कई सारे हॉटस्पॉट्स हैं। दिल्ली में ही देखिए सेंचुरी से ज्यादा, 100 से ज्यादा हॉटस्पॉट्स हो चुके हैं। हॉटस्पॉट्स को मैनेज करना, सेल्फ सफिशिएंट बनाना, मतलब वहीं पर सब कुछ हो जाए, यह भी एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि वहां पर आ रही दिक्कतें फिर सबके मनस्थिति को प्रभावित करती हैं और वहां जो जी रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल होती ही है। बिल्कुल, मैं तो लोगों को बोलता हूं जो कहते हैं कि हम लॉकडाउन में बड़े परेशान हैं, हम घरों के आगे निकल नहीं पा रहे हैं, वॉक्स के लिए जा नहीं पा रहे हैं, दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मैं कहता हूं उन लोगों को देखिए जो बिल्कुल कर्फ्यू में रह रहे हैं, जिनके लिए राशन, चावल, दाल, चाय पत्ती, मसाला, दूध, पानी हम लोग घरों तक पहुंचा रहे हैं, वो तो बिल्कुल कंप्लीट सुपर कर्फ्यू लगा हुआ है। जो रेड जोन्स हैं, कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो 2 किलोमीटर के आसपास उसके यहाँ कर्फ्यू लग जाता है और हम मूवमेंट बिल्कुल रोक देते हैं। जब तक आप इंसानों का और व्हीकल्स का मूवमेंट बिल्कुल नहीं रोकेंगे और कोई जान पहचान से अपना पास बनवा के लिए आता है, कोई बहाने करके बाहर आ जाता है, तो फिर वो कर्फ्यू का मतलब नहीं रहता। तो बड़ा रूथलेसली हम लोगों को कर्फ्यू इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और रेड जोन को येलो और फिर ग्रीन करने के लिए पब्लिक को थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कोई सरकार नहीं चाहती कर्फ्यू लगाए, कौन राजनेता चाहेगा कि अपने लोगों को घरों में बंद रखें, लेकिन कोई उपचार नहीं है, कोई इलाज नहीं है, यही है कि हम घर में रहकर और लोगों के डोर स्टेप्स तक वो सर्विसेज पहुंचाएं। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो अपने जान हथेली पे लेकर हमको चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो वहां तक उनका मूवमेंट भी हम लिमिट कर देते हैं और किसी तरह से लोग बाहर ना पाए, आवाजाही बिल्कुल समाप्त हो जाए, तभी कुछ दिनों में जाकर हम उसको कंटेन कर पाएंगे। लेकिन टेस्टिंग हर राज्य को बढ़ानी चाहिए, बिना टेस्टिंग के हम वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकते। एक जो ग्राफिक्स हमने खास तौर पर बनाए हैं वो है मोर्टेलिटी रेट, यानी मृत्यु दर के। जब हम पूरे देश का, ये जरा एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए, ये जो ग्राफिक्स है, जब हम मोर्टेलिटी रेट देखते हैं सचिन जी, जो पूरे देश का है वो 3.2% है। महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत ज्यादा है, सबसे आगे गुजरात है 4.57 और महाराष्ट्र जहां नंबर 1 है मरीजों में, वहां पर भी काफी ज्यादा है मृत्यु दर, 4.23। मोर्टेलिटी रेट राजस्थान वर्सेस ऑल इंडिया में आप काफी आगे दिखते हैं, जिसमें लगता है कि आप नियंत्रित हैं। आज तक के आंकड़े के हिसाब से सबसे कम मृत्यु दर यहां पर 1.51 राजस्थान में है। सबसे बड़ी वजह इसकी आप क्या बताएंगे, जिससे एक ऐसा टेक अवे हो जो अन्य राज्यों में भी तस्वीर को समझने में आसानी हो? इसमें 2 बातें हैं अंजना जी। एक तो यह है कि हमारे यहाँ जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं वो कम उम्र के हैं और ये एक कारण है कि हमारे यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो अलग है बाकी स्टेट से। और दूसरा, हम लोगों ने कोशिश की है कि जो अलग अलग वैकल्पिक मेडिसिन हैं या जो भी हम उपचार करा सकते हैं वो कराएं, लेकिन जो स्ट्रेन ऑफ वायरस है वो अखबारों में भी हमने देखा है कि गुजरात के अंदर, इंदौर के अंदर एक अलग तरह का स्ट्रेन है, वही स्ट्रेन है जो वुहान में था, तो शायद उसमें फर्क हो सकता है। लेकिन राजस्थान में भगवान की दया से, ऊपर वाले की कृपा है कि हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट कम है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को निसंकोच होकर सामने आए, जांच करवाएं। और एक स्टिग्मा लगा हुआ है, आजकल कोई अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको एक समाज में बड़ी नकारात्मक दृष्टि से लोग देखते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इस बीमारी से निजात पाकर स्वस्थ होकर बाहर आते हैं उपचार कराने के बाद। इसलिए स्वयं लोग आए, टेस्ट कराएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, किसी की गलती नहीं है। संक्रमण होने के बाद आप इसमें ठीक हो सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टर्स, डॉक्टर भंडारी, SMS
के हैं, बाकी सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत करी है। जो पहला पेशेंट था अंजना जी राजस्थान में, वो 2 मार्च को हम डिटेक्ट किया था, इटालियन एक व्यक्ति थे। उसके बाद लगातार हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं, और हमें लगता है कि अगर हम सच में धैर्य रखें तो बहुत कम लोग हैं जो इस COVID-19 से ICU और फिर वेंटिलेटर पर जाते हैं। अधिकांश लोग इसमें उपचार के बाद स्वस्थ हो जाते हैं, खासकर वो लोग जो कम उम्र के, जिनको पहले से बीमारी ना हो, कोई डायबिटिक है, किसी का ऑपरेशन हुआ हुआ है, किसी को क्रॉनिक इलनेस है, उन लोगों को खतरा ज्यादा होता है इस COVID-19 से। वो बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई है, क्योंकि उस पर आज तक पर भी हम लगातार स्टोरीज दिखाएंगे कैसे इंदौर में और एक दो जगह पर अहमदाबाद में बताया जा रहा है जो स्ट्रेन है वायरस का वो ज्यादा खतरनाक है और शायद इसलिए वहां पर ज्यादा मौतें हो रही हैं। तस्वीर हर जगह की अलग अलग है, लेकिन एक बार फिर मैं आगे बढ़ने से पहले जरा एग्जिट प्लान पर आना चाहती हूं और वो ग्राफिक्स भी जरा दिखाइए। जब विश्व के तमाम आंकड़े जो अलग अलग देशों के हैं हम दिखाते हैं, तो अलग अलग देशों में सबसे ज्यादा 77 दिन वुहान में चाइना ने लॉकडाउन रखा था। जो लॉकडाउन की अवधि है वो मैं सचिन जी इस वक्त दिखा रही हूं। इसके बाद जो यूरोप बहुत ज्यादा प्रभावित रहा उसमें 56 दिन फ्रांस ने रखा, इटली ने 56 दिन रखा। उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पर देखें तो बेल्जियम 48, ब्रिटेन ने 46 दिन का रखा, अभी भी ऑस्ट्रेलिया में भी 50 दिन का, कई जगहों पर स्पेन में 57 दिन का। ये अलग अलग देशों ने कितने दिन लॉकडाउन रखा है वो हम दिखा रहे हैं वर्सेस इंडिया, और ये हम आपको अलग अलग देशों की जो रिकवरी है, जो लोग ठीक हो रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है रिकवरी रेट और इन लॉकडाउन की अवधि के बीच में, कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक एग्जिट मॉडल के साथ भी आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी सितंबर तक हम स्कूल्स को तो बिल्कुल बंद रखेंगे, स्कूल्स को हम सितंबर तक बिल्कुल नहीं खोलेंगे, लेकिन फैक्ट्रीज में हम धीरे धीरे अब काम शुरू करेंगे। एक एग्जिट प्लान की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आप की नजर में जो आप देख रहे हैं पिछले दिनों में, किसानों का आपने कहा जरूरी है, कुछ फैक्ट्रीज में जहां वर्कर्स वहीं रह सकते हैं उसको हम धीरे धीरे रिज्यूम करें, स्कूल्स कॉलेजेस बाहर लोगों का निकलना, मार्केट प्लेसेस मॉल्स, इन सब को लेकर आपकी क्या सोच है और क्या आप नहीं चाहेंगे कि पूरे देश की एक नीति बने जो केंद्र की तरफ से इस पर आए, या आपको लगता है कि ये राज्यों पर छोड़ना सही रहेगा? मैं नहीं मानता हूं कि दिल्ली में बैठकर हम इतने बड़े देश के लिए एक नीति बना दें, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में ठीक है वो केरल में नहीं चल पाएगा। अलग अलग राज्यों की अलग अलग पृष्ठभूमि है, वायुमंडल है, लोगों का खाने पीने का व्यवहार अलग है, और मैं समझता हूँ कि जो भी निर्णय लें बड़ा साइंटिफिक लेना पड़ेगा। हम जज्बात में आके या बहक के कोई निर्णय ले लें वो ठीक नहीं होगा, बहुत सोच समझ के साइंटिफिकली हमें जो ठीक लगता है वो करना चाहिए। जो सबसे रिस्की है उसको लास्ट में हम लोग खोलें, लेकिन जहाँ रिस्क फ्री है या मॉडरेट रिस्क है वहाँ पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोगों का आ जाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मत भूलिएगा, जैसे ही एक स्टेट ने खोल दिया और दूसरे स्टेट ने बिल्कुल नहीं खोला, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर बसें और ट्रेन वापस भर भर के जाएंगी तो संक्रमण फैलेगा, इसलिए बहुत कैलिब्रेटेड तरीके से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। इसीलिए तो सचिन जी मैं ये सवाल पूछ रही थी, क्योंकि अगर सेंट्रल पॉलिसी नहीं होगी और स्टेट्स में ही, आज ही हम देख रहे हैं कि कैसे हरियाणा और दिल्ली में सब्जियों को कैसे बॉर्डर से क्रॉस कराना है, इसको लेकर एक लॉक जाम हो गया, आपस में बयानबाजी हो रही है। यूपी से अगर बॉर्डर सील करते हैं योगी आदित्यनाथ तो दिल्ली के जो मंत्री हैं वो कहने लगते हैं कि वो तो ऐसा कर रहे हैं जैसे दिल्ली से हम सारे मरीज वहां भेज रहे हैं। ये जो समन्वय, अगर आप एक ग्रीन जोन बना देते हैं मान लीजिए, वहां से कोई भी व्यक्ति रेड जोन में नहीं जाएगा या ऑरेंज जोन में नहीं जाएगा या रेड जोन वाला ग्रीन में नहीं चला जाएगा, ये सब कैसे, इस लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट उस स्तर का कैसे हो पाएगा, और ये जो फिर गतिरोध या फिर हम देखेंगे अनबन वो कैसे सम्मिलित, इन सबको तो एक सेंट्रल पॉलिसी ही बेहतर डील कर सकता है ना जी। आज के दिन में कोई भी व्यक्ति, संगठन, पार्टी या सरकार अगर अनबन की बात कर रहे हैं तो देश को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। आज फर्क नहीं पड़ता कौन बंगाली है, मराठी है, पंजाबी है, राजस्थानी है, आज हम सब इस देश के नागरिक हैं, और जो रेड जोन है उसको रेड जोन क्लासिफाई करने के बाद वहाँ कोई मतलब नहीं है कि हम हस्तक्षेप करें या अपनी मनमानी करें, और ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय ही नहीं है। बॉर्डर किसने बनाए हैं? बॉर्डर हम लोगों ने बनाए हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। आप गाजियाबाद में सुरक्षित नहीं है, दिल्ली में सुरक्षित हैं, फिर गुड़गांव में सुरक्षित नहीं है, फिर राजस्थान में सुरक्षित है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बड़ा साइंटिफिकली सबको साथ बैठाकर बात करनी पड़ेगी, और जो भी निर्णय लिया जाए सबसे सलाह करके निर्णय लें, निर्णय लेने के बाद बड़े कठोरता से उसका पालन करना पड़ेगा। और केंद्र सरकार को भी मुझे लगता है जनरल गाइडलाइंस देने चाहिए, लेकिन जो जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर निर्णय है
वो राज्य सरकार से सलाह करने के बाद ही लिया जाना चाहिए। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी राज्य सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार ही ये संघर्ष और ये कोविड से लड़ाई जो है वो धरातल पर राज्य सरकारें लड़ रही हैं, जिला प्रशासन लड़ रहा है, इसलिए उनसे बात करने के बाद निर्णय लिया जाए। और जो भी निर्णय लें, मैं समझता हूँ देश हित में सबको साथ एक दूसरे का देना पड़ेगा। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के बॉर्डर अगर हम फंसे रहेंगे तो देश हमें माफ नहीं करेगा। हमें तो सबको सुरक्षित रखना है। अगर कोई व्यक्ति यूपी का है या मध्यप्रदेश का है, दिल्ली का है, वो भी देश का बराबर का नागरिक है। मैं तो उसकी भी उतनी चिंता करता हूँ जितने राजस्थान के व्यक्ति की चिंता करता हूँ। इसलिए इसमें तो हमें बड़ा साइंटिफिकली एक्सट्रापोलेशन कर कि कहाँ पर प्रोपेंसिटी इन्फेक्शन की ज्यादा है वहाँ पे रोकना पड़ेगा। जहाँ हम सबको लगता है कि यहाँ पे सेफ जोन है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बाद, हाइजीन के सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करने के बाद धीरे धीरे काम बढ़ाना पड़ेगा। ये समय नहीं है एक दूसरे पर उंगली उठाकर बोलने का कि आपने यहाँ से भेज दिया, वहाँ से भेज दिया। हम सब इस देश के नागरिक हैं और ये जाति धर्म बॉर्डर को देखता नहीं है वायरस, ये हर किसी को भी हो सकता है। उस मानसिकता से अगर हम काम करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। क्या आप ये स्पष्ट कर पाएंगे कि कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कहा है कि लॉकडाउन को इसी तरह से आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, सारे मुख्यमंत्री वहां बोले भी नहीं थे। कुछ राज्यों ने सजेशंस दिए हैं, कुछ मुख्यमंत्रियों ने बात को रखा है, लेकिन हर राज्य सरकार को इतनी छूट है फेडरल स्ट्रक्चर में अपनी बात को रखें। मुझे लगता है केंद्र सरकार ने जरूरी गंभीरता से सारी बातों को सुना होगा। स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग की बात हम लोग बहुत पहले से करते आए हैं। जिन स्टेट्स में इन्फेक्शन ज्यादा है, जहाँ पर बिस्तर, वेंटिलेटर, पीपीए किट्स, मेडिसिन ज्यादा चाहिए, उन संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। जो स्टिमुलस पैकेज है अंजना जी, जो देशों ने अब तक अनाउंस किया है, उसका तो फ्रैक्शन भी हम लोगों ने अभी तक नहीं किया। और स्टेट गवर्नमेंट्स की इनकम खत्म हो गई है, जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो चुकी है। उन राज्य सरकारों को अगर आप आर्थिक संसाधन नहीं देंगे तो कैसे हम लोग संघर्ष कर पाएंगे? और मुझे लग रहा है कि फसल की खरीद हो या पीपी किट की सप्लाई हो, टेस्टिंग किट की सप्लाई हो, उसमें केंद्र सरकार को बिना भेदभाव करे, बिना पक्षपात करे आगे आकर मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा देश आज देख रहा है कि कौन लोग, कौन व्यक्ति, कौन नेता, कौन पार्टी, कौन सरकार क्या काम कर रहे हैं। इसलिए हमें देश को आगे रखते हुए सबको साथ लेकर आगे चलना पड़ेगा। और 3 तारीख को मुझे लगता है ये निर्णय ले लिया जाएगा कि आने वाले कुछ दिन और कुछ हफ्ते हम कैसे रहेंगे। और जो भी निर्णय लेंगे सबकी सहमति से लें, उसका फिर हम सब पालन करें। आपके इशारे के आधार पर मेरा अगला सवाल है, क्या फिलहाल की परिस्थिति में केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा हम सभी को भेदभाव से बचना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि किस राज्य में किसकी सरकार है। और जो भी आर्थिक पैकेज है या मदद है वो अनुपात के हिसाब से हो। जहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा संकट है, वहाँ उसके अनुपात उसको संसाधन दिए जाने चाहिए। जैसे मैंने कहा, उत्तर पूर्व में जो स्टेट्स है, मेघालय, मणिपुर है, वहाँ शायद अलग परिस्थितियां हैं, केरल तमिलनाडु में अलग परिस्थितियां हैं, पंजाब राजस्थान में अलग परिस्थितियां हैं। और कोई भी व्यक्ति सुझाव देता है तो उसको बड़ा कंस्ट्रक्टिवली हमें सुनना चाहिए, क्योंकि ये क्राइसिस का समय है। राजनीति जब चुनाव आएंगे, भाषणों का समय होगा, हम सब अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आज एक अंतर्राष्ट्रीय, विश्व में, देश में बहुत भारी संकट है। इसको हम सब अगर अपनी ताकत को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तभी देश के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण हम लोग बना पाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, और वो इसलिए क्योंकि इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। आपकी पार्टी ने कहा था कि लॉकडाउन को डीमोनेटाइजेशन की तरह लागू कर दिया गया है, थोप दिया गया है देश पर। राहुल गांधी ने कहा कि पॉज बटन है ये, सरकार के पास 3 मई के आगे की स्ट्रेटजी नहीं है। तो आप अभी एक स्टेक होल्डर हैं उस व्यवस्था में जो कोविड के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहा है। उस स्टेक होल्डर के तौर पर मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप अभी तक भारत की इस लड़ाई को संतोषजनक मानते हैं और लॉकडाउन के फैसले को सही बताएंगे, या फिर आपकी राय भी पार्टी की तरह है? हम सबकी एक ही राय है कि जो लॉकडाउन भी किया था, आप सबने देखा होगा बॉर्डर्स पर लाखों हमारे मजदूर, माइग्रेंट लेबर खड़े हो गए थे। अगर हम विदेश से लोगों को चार्टर प्लेन में ला सकते हैं तो इन लोगों के लिए हम व्यवस्था बेहतर बना सकते थे। सबसे सलाह करके अगर ये कदम लिया जाता तो शायद इसका क्रियान्वयन बेहतर हो सकता था। और मत भूलो अंजना जी, अगर कोई सुझाव देता है तो उसको पॉजिटिव लाइट में लेना चाहिए, और अगर कोई कठोर सवाल भी करता है तो उसका जवाब संतोषजनक देना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन स्टेक होल्डर से संवाद होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी तक किया, आने वाले समय में और संवेदनशीलता से और लोगों को इन्वॉल्व करके करना पड़ेगा। और अगर विपक्ष कोई सवाल पूछता है, अगर कोई लीगल सवाल है या कोई फाइनेंशियल सवाल है, उसकी पारदर्शिता तो सरकार को दिखानी पड़ेगी। जवाबदेही सरकार की होती है और सरकार को बड़ा बनकर बात करनी पड़ेगी। कहीं पे अगर कोई आरोप अगर कोई लगाता है तो ये समय है कि हम बड़ी पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से काम करें। और अलग अलग स्टेक होल्डर्स को जो आज संवाद हो रहा है, अगर बहुत पहले संवाद किया जाता तो शायद मिलजुल कर एक बेहतर स्ट्रेटेजी हम लोग बना सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।